チュッキー。メラの役目、スイート、アンリン、オール、インタリジェント。Thank you. Good evening, everybody. First of all, I'd like to congratulate Life OK for coming up with such unique concepts. इससे पहले भी मैंने Life OK पे एक शो किया था, दो दिले जो कश्मीर बेस्ड था, टेररिज्म पे बेस्ड था, लेट फारूक शेख जी के साथ था, और आज यश पटनायक जी के साथ ये बहुत ही भयानक दिखने वाला बहुत ही बड़ा शो है, जो आई फील इट विल रेज द एंटरटेनमेंट वैल्यू बार्स ऑफ ऑल द ऑडियंस, और पीपल आर लुकिंग फॉरवर्ड टू फॉर दिस शो. जो भी मेरे आसपास है, सब लोग को जब भी मैं कहती हूँ मैं नागार्जुन में हूँ, तो कहते हैं कि अरे वाह, वो कब आ रहा है शो, अच्छा हमें देखना है. काफी उत्सुकता है सबके मन में इस शो को लेकर, और यही बरकरार रखिए आप मीडिया फ्रेंड्स. आप पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, आप हमें अच्छे से प्रमोट कीजिएगा, और इस शो को हिट करना है. हम पूरे टीम ने बहुत मेहनत, ग्लेन अंकुश ने तो जो उनके कलर है वो ओरिजिनल कलर नहीं है, वो काले कुले हो गए बेचारे, घर बार छोड़ के इसी शो में लगे हुए हैं. एंड एक बस कॉम्प्लेक्स सब इंसान ने दिया है, जो है निकेतन धीर. इतने लंबे हैं कि उनके साथ जो भी खड़ा हो जाए सब बौने ही लगते हैं. बस ये बहुत खूबसूरत शो है, एंड आई फील दैट एवरीवन शुड रियली वॉच. यूनिक शो है. थैंक यू एवरीबॉडी. आई एम डूइंग मनसा देवी. मनसा देवी का कैरेक्टर निभा रही हूँ मैं इस शो में, और जो मार्गदर्शक है, और बहुत इमोशनल कैरेक्टर है, और एक पॉजिटिव कैरेक्टर है. तो आई थिंक जब आप शो देखेंगे तो ही मजा आएगा इस कैरेक्टर को देखकर. Thank you so much. Good evening, namaskar. जैसा अभी अभी यश जी ने कहा कि मैं वासुकी सूत्रधार का किरदार कर रहा हूँ इसमें. सूत्रधार और युवराज जी ने मुझे परसों अरसों जब मैं शूट कर रहा था कहा था कि कभी मैं भीष्म बन जाऊँगा, कभी कृष्ण बन जाऊँगा, तो अर्जुन के साथ मैं हमेशा रहूँगा. इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं. Thank you. गुड आफ्टरनून एवरीवन. मैं शंकर चूर में प्ले कर रहा हूँ. दरअसल ये जब मैं मुझे पहली बार इस शो के लिए कॉल आया था, इस रोल के लिए कॉल आया था, तो मैं पहले से ही थोड़ा सा माइंड में नेगेटिव था कि यार मैं नेगेटिव रोल कैसे प्ले करूँगा, अब तक तो मैं सिर्फ पॉजिटिव रोल प्ले करता हूँ. लेकिन जैसे ही मैं ऑफिस गया, वो कहते हैं कि प्रोड्यूसर का विजन एकदम क्लियर होता है. मतलब 15 मिनट्स और मैं कन्विंस हो गया. मतलब कहते हैं कि हीरो हीरोइन के बीच में एक जड़ जो होती है जो उन्हें मिलाने से रोकती है, वो है शंकर चूर्ण. तो बहुत सारी चीजें करेगा, और आई एम रियली थैंकफुल कि आपने मुझे इस रोल के लिए चूज किया, एंड स्पेशली नेगेटिव विजन जो आपका है, जो मैं आज तक विजन नहीं किया था, वो अब मैं प्रूव कर सकता हूँ. थैंक यू सो मच. नमस्कार, मेरा नाम निकेतन है, और इस शो में मैं अस्तिका का किरदार निभा रहा हूँ. अस्तिका एक वॉरियर है, और उसकी जर्नी जैसे आपने प्रोमोज में देखा होगा, बहुत पौराणिक जर्नी है, और वो कैसे इस युग में आता है, और इंडस्ट्री में आए लोग को तंग करने हो, तो यहाँ पे सबको तंग करूँगा. एंड विद यस, आई वाज सपोज टू स्टार्ट समथिंग फ्यू इयर्स अगो टेलीविजन पर, लेकिन वो हुआ नहीं. और आई एम वेरी थैंकफुल कि जब मेरी टेलीविजन की जर्नी शुरू हुई है, and the team we have, Glenn Ankush and Yuvraj sir, all of us, I think we are equally passionate, aur hum yahi chahte hain ki hum aapko a grade manoranjan dein. And I really am waiting for you all to watch this on 30th May. Hi guys, mera naam Aman Vasishth hai. Main aslam ka character play kar raha hu, jo ki Arjun ka best friend hai. Wo jitna seedha hai usme मैं उतना ही नौटंकी हूँ, आलसी निठल्ला नालायक टाइप का हूँ. वो जितना सीरियस है मैं उतना ही एंटरटेनिंग और चुलबुला कैरेक्टर हूँ. सो दैट्स अबाउट मी. हाय, गुड इवनिंग. या थैंक्स युवराज, यश, ममता for giving us this opportunity, because from time onwards we always see whatever is foreign is good, and
it's great that they dug out this chapter which is not known and to put it in this two layers or two worlds. It's difficult, but what is life without a challenge? And when you have a big vision, you need big money and thanks. So they didn't hesitate to, you know, work on the costume, the cast, the technician, the locations that we went. I mean, yeah, Beyond Dreams, hopefully we'll take this beyond other dreams. Thanks for this opportunity. All I can say is really thank you. It is very easy to sit in one room and write something, think something, write something. But it is something, an incredible experience when you actually see those characters and the story come alive on screen. So thank you very much. What I'm seeing on screen, I don't think we imagined it to that well. But we are very, very happy the way it is coming out on screen. See, we have been thinking about that, how do we break new grounds? I mean, the last time we did that was actually with Mahadev, where we tried to present a mythological show in a very new manner, which was the first thing, first time on Indian television, which became sort of, so to say, a formula which has been followed by others. On this show, we are at a conceptually, at a production level, we are actually trying to break another new ground. We are very hopeful that we have been able to achieve it. You will have to start watching from 30th May, and I think you will understand whether we have been able to pull it off or not. Thank you again, and thank you all of you for coming over here. Thank you. Thank you so much. And we will be very happy to see you when your show launches. Thank you so much. And I request all the electronic media to kindly come ahead for the Janta Bites. And photo. Much work in the South. I've only done one film in which it was actually a two-hero film. As far as this choosing this and going for this, I've said it earlier also, and I'll say it again, though my background is films, working on this film, the whole setup and the whole approach is no different from films, from technical aspect, as well as the actors, as well as the professionalism, everything. So, and I always believe that an actor is never bigger than the medium, be it radio, stage, TV, movies, it's all the same. I think the approach has to be right. Did you prepare in any way for this role? I actually, last couple of films I did didn't require me to be really physical. This role is very physical that I'm approaching. And so I went back to my fighting roots for a while. And yeah, I just prepared on that front. Niketan sir, did you take any tips from your father for acting this in this role? Not for acting, but on life I do. I think I've been raised in a very different way. We all are very independent. But yes, he's my father, so I always look up to him in more ways than one. Congratulations to the team. The trailer is fantastic, no doubt. But my question to the producer and the director is that why is that another show on, you know, where we have backgrounds with Nag and Nagin? Matlab Nagin ka ek chal gaya to trend chal gaya, to uske wajah se we all have shows related to Nag. So even the actors can comment on it, please. I think producer is the best person to comment on it.
As you answered, as I mentioned, we have been working for the last 2 years. Yeah, finally we came now.